वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के हम लोग फ्लावर पेंटिंग करेंगे ओवी वाटर कलर से। ये मेरी कैमल ब्रांड की वाटर कलर है। पहले हम लोग कलर ले लेंगे। ये मेरी पहले लिया इंडियन येलो, ये है वर्मिलियन ह्यू, एंड इसके बाद मैंने ले रही हूँ विरिडियन ह्यू ले रही हूँ। ओके गाइज, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, आई होप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड पेंटिंग बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। ओके, इसलिए लास्ट टाइम वीडियो में बने रहना। चलो बनाते हैं। तो पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने गांबुज येलो लिया एंड इसको थोड़ा थोड़ा देकर एंड वाटर तुली देकर हम लोगों को मिक्स करने पड़ेंगे। इसके बाद हम लोग लिया यहाँ पे ऑरेंज एंड विरिडियन, सॉरी वर्मिलियन ह्यू जो कलर मैंने दिखाया था वो, इसको लेकर बहुत ही अच्छे से हम लोगों को क्रिएट करनी पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने वर्मिलियन ह्यू को लिया एंड वाटर ब्रश को देकर मिस्ट कर लेंगे एंड अच्छे से क्रिएट कर लेंगे। हम लोगों को बहुत ही ध्यान से करने पड़ेंगे। बहुत ही इजी पेंटिंग है बट हम लोगों को बहुत ही ध्यान से क्रिएट करने पड़ेंगे। ओके, ऐसे ही करते रहो। यह पे सेम किया। इस पेंटिंग को करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा कलर नहीं पड़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इंडियन येलो मैं थोड़ा लिया, सभी कलर पे नहीं लिया, यहाँ पे तो नहीं दिया अभी तक। यहाँ पे दिया गम्बुज ह्यू, गम्बुज जो येलो हम लोग बोलते हैं वो, एंड ऑरेंज एंड वर्मिलियन ह्यू की कुछ टेक्सचर है, कुछ जगह पे ऑरेंज दिया आप लोगों को दिख रहा है एंड जहाँ पे फ्लावर की डीप डार्कनेस है वहाँ पे सिर्फ रॉ वर्मिलियन यूज किया। ऐसे करके इस फ्लावर कंप्लीट ही हो गई एंड फ्लावर की जो माच पे मंजूरी है वहाँ पे सिर्फ मैं थोड़ा ही लेमन येलो दिया, आप लोगों को देख ही रहा है। एंड सेम प्रोसेस में हम लोग ये वाला फूल भी क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा मैंने येलो की स्ट्रक्चर ज़्यादा रखने की कोशिश किया एंड रेडिश को थोड़ा दिया, थोड़ा मतलब बहुत ही थोड़ा दिया, आप लोगों को दिख रहा है। ये फ्लावर येलो स्ट्रक्चर की है, यही है, नहीं तो सेम टेक्निक है, सेम भी है। ओके, इसी तरह से करते रहना है। ओके गाइस, इसी तरह से देखते रहो एंड पेंटिंग करते रहो। प्रैक्टिस करना हम लोग को बहुत ही जरूरी है क्योंकि जितनी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उतनी अच्छी इम्प्रूव होती है आर्ट में। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे आए हो नए, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, ये तो मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ। एंड क्या हो रहा है, पेंटिंग अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, नहीं लगे तो डिसलाइक मार दो, कमेंट में भी वो बोल दो ये अच्छी नहीं लग रही है, कमेंट करो। कितनी बार बोलती हूँ कमेंट करो कमेंट करो, कोई कमेंट नहीं करती है। मेरे को पता है मेरे हिंदी लैंग्वेज बहुत ही गंदी है। मैंने ये भी बोल के रखा मैं बंगाली हूँ, मेरे को हिंदी सीखना पड़ेंगे एंड वो भी आप लोगों को पास से, आप लोग को तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कमेंट भी नहीं करते हो, तो मैं कहाँ से सीखूंगी यार, सपोर्ट तो करो मेरे को। एंड पेंटिंग इतनी बुरी है क्या, पता नहीं मेरे को, प्लीज कमेंट करो। एंड क्या बोलूँ, अच्छी लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। मैं नए क्रिएटर हूँ इसीलिए मेरे को सपोर्ट करना प्लीज़, ये तो मैं बोलूँगी, सपोर्ट करना प्लीज़, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जो लोग आर्ट करना पसंद करती हो, आर्ट करती हो, आर्ट सीखना चाहती हो, वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर कर लेना उस लोगों के पास। ओके ओके गाइस, बैकग्राउंड हो रही है
एंड बैकग्राउंड हम लोगों को बहुत ही अच्छे से क्रिएट करने पड़ेंगे। ये मैंने दो वीडियो पे बहुत ही अच्छे से समझाया एंड बैकग्राउंड करने के टाइम मैंने बहुत कुछ सीखा पेंटिंग करते करते। यहाँ पे कभी भी जब पेंटिंग गीला है उस टाइम कभी भी बैकग्राउंड नहीं करना, क्योंकि उस टाइम पेंटिंग खराब होने के चांस ज़्यादा रहती है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ, हम लोगों को फ्लावर पहले बनाया, फ्लावर को अच्छे से सूखने दो, इसके बाद बैकग्राउंड को क्रिएट करो। एंड मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, देखो व्हाइट थोड़ा लेकर इसी तरह से थोड़ा थोड़ा देकर मिक्स अच्छे से कर लेती हूँ एंड बहुत ही अच्छी टेक्सचर बन के रेडी होती है, ये देखो। ओके गाइज, वीडियो कंप्लीट हो गई। वीडियो कैसे लग रही है एंड पेंटिंग कैसे लगा मस्ट भी कमेंट करना, प्लीज़ कमेंट करना एंड अच्छे लगे तो फ्रेंड के पास शेयर भी कर देना। ओके, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओके बाय।